ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और एस्ट्रो मित्रम बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपका दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। यह राशिफल है 16 सितंबर 2018 रविवार का दिन है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। इस दिन संतान सप्तमी का महापर्व मनाया जाएगा। सभी माताएं व बहनें संतान सप्तमी का व्रत रखती है। संतान प्राप्ति के लिए, संतान की उन्नति के लिए, संतान की लंबी आयु के लिए और संतान की उन्नति प्रगति के लिए इस व्रत को किया जाता है। इस दिन शंकर पार्वती जी का विशेष पूजन अर्चन वंदन किया जाता है और इस व्रत के संदर्भ में, इसकी कथा के संबंध में हमने एक और वीडियो आपके लिए प्रस्तुत किया है, उसको आप अवश्य देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। अभी हम आपको दैनिक राशिफल बता रहे हैं 16 सितंबर का। इस दिन अनुराधा नक्षत्र सुबह 6:11 तक, उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा और चंद्रमा की यदि हम बात करें तो वृश्चिक राशि में रहेंगे। दिशाशूल की यदि हम बात करें तो पश्चिम दिशा में रहेंगे। इस दिन पान खा करके यात्रा पश्चिम दिशा की करना चाहिए, अन्यथा पश्चिम दिशा की यात्रा करना हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इस दिन ग्रह गोचर के अनुसार 12 राशि वालों के लिए दिन कैसा रहने वाला है, साथ ही 12 राशि वालों को क्या खास उपाय करना है, यह सब कुछ हम आपको बताएंगे। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। स्थायी संपत्ति खरीदने में जल्दबाजी न करें। जीवन साथी का सहयोग नहीं मिलने से आप परेशान हो सकते हैं। खर्च से लेकर मनोरंजन तक किसी चीज में अति न करें। मन में अजीब सी हलचल महसूस हो सकती है। कोई अनजाना डर आपको परेशान कर सकता है। खर्चा ज्यादा रहेगा। अपने कामों में अचानक रुकावटें पैदा होने के कारण आप परेशान हो सकते हैं। रूटीन कार्यों से हटकर कुछ नया करने का मन बनाएंगे तो इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। कुछ नया न ही करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप के कामों में कोई बड़ा निर्णय आपको नहीं लेना है। किसी से अपने दिल की बात कहने की कोशिश भी आप बिल्कुल न करें। फैसला आपके पक्ष में नहीं होगा। सिर दर्द, बदन दर्द या कोई परेशानी आपको हो सकती है। शारीरिक रूप से आप अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। उपाय के रूप में लाल मसूर की दाल यदि आप गाय को खिलाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। महत्वपूर्ण कामों में आप थोड़े से जो है परेशान रहेंगे, लेकिन आपके सभी काम पूरे हो जाएंगे। भाइयों और दोस्तों की मदद से आपको फायदा होगा। रुका हुआ पैसा आपको मिलने का योग बन रहा है और सभी काम आपके पूरे होंगे। नए मौके, नए लोग और विचार आपके सामने आ सकते हैं। पार्टनर के साथ आपका समय व्यतीत होगा। प्रेम के क्षेत्र में आपको सहयोग प्राप्त होगा। आज आप ज्यादातर मामलों में भाग्यशाली साबित होंगे। आपके जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कोई साफ रास्ता आपको मिलेगा जिसके कारण आपके उन्नति के मार्ग प्रशस्त रहेंगे। पैसों की स्थिति में सुधार लाने के कुछ अवसर आपको मिल सकते हैं। दोस्तों या प्रेमी के साथ अच्छा समय आपका व्यतीत होगा। दिन आपका सकारात्मक रहेगा और पारिवारिक जीवन और रिश्तों की कोई समस्या आज जो है सुलझने वाली है। उपाय के रूप में यदि दूध से बनी कोई भी वस्तु आप भगवान शंकर जी के मंदिर में चढ़ा देंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। योजना बनाने और फैसले लेने का दिन है आपके लिए। पहल आपको करनी होगी। आपको स्थिति से जो है बेहतर अवसर आज आपको प्राप्त होंगे। सिर्फ जरूरी कामों पर आपको ध्यान देना चाहिए और बाकी के काम अपने सामने से हटा दे। कई जगह आपकी तारीफ होगी। रिश्तेदारी का कोई पुराना मामला उलझ सकता है। खुद को थोड़ा लचीला बनाने का प्रयास करें। आपको किसी तरह का समझौता भी करना पड़ सकता है। पुराना पैसा आपको मिलने वाला है। नए लोगों से संपर्क होगा। कैरियर में आपको नई संभावनाएं मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में उन्नति के योग बन रहे हैं। सेहत के मामले में समय बहुत अच्छा है। आपकी थकान दूर हो सकती है। उपाय के रूप में यदि गणेश जी के मंदिर में आप दूर्वा चढ़ाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। बिजनेस में सफलता मिलने का उत्तम योग बना हुआ है। नौकरी में जिम्मेदारी आपकी बढ़ने वाली है। पदोन्नति आपकी हो सकती है। नए लोगों से मिलने और कैरियर में आगे बढ़ने के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। खर्चा आपका कम होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कुछ ऐसी बातें आपके सामने आएगी जिनमें आपको आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। आप जो भी करें सकारात्मक होकर के करें। किसी भी तरह का फैसला करने के पहले अच्छी प्रकार से उस पर विचार जरूर करें। किसी जानकार व्यक्ति से सलाह अवश्य करें। समय लगता है तो लगने दे। कोई व्यक्ति या संस्था आपको जो है मदद करेगी या आपकी मदद ले सकती है। ऑफिस में अधिकारियों से भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। सुख सुविधा की कोई वस्तु खरीदने का विचार आपके मन में आ सकता है।
अपनी सेहत पर, अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना बहुत आवश्यक होगा। उपाय के रूप में किसी भी मंदिर में यदि आप चावल और दही का दान कर देंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। कारोबार संबंधी नए फैसले लेने से आपको बचना होगा। प्रोफेशनल लाइफ में संभल करके रहे, दुश्मनों से सावधान रहें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, खर्चा आपका बढ़ सकता है। आने वाले दिनों में कोई ऐसी घटना आपके साथ घटित हो सकती है जो आपके लिए जो है बहुत ज्यादा जो है प्रभावित करने वाली रहेगी। कुछ चीजों की शुरुआत नए सिरे से आपको करनी पड़ सकती है। कुछ काम गलत दिशा में न जाए इसका आपको पूरा ध्यान रखना होगा। नौकरी पेशा लोगों को धन लाभ होगा और व्यापार करने वालों को कोई नया काम शुरू करना पड़ सकता है। धन लाभ का उत्तम योग बन रहा है, रुका हुआ पैसा इनको प्राप्त हो सकता है। उपाय के रूप में यदि आप भोजन के साथ गुड़ खाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। बिजनेस में अच्छी ग्राहकी के योग बन रहे हैं। कार्यस्थल पर सुखद वातावरण निर्मित होगा, मेहनत से सफलता प्राप्त होगी। धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं। किसी खास काम को लेकर के कोई शानदार योजना आपकी बन सकती है, उस पर भी आप काम शुरू कर सकते हैं। आप अपनी योजना के अनुसार ही काम करें तो अति उत्तम रहेगा। अपनी योजना में फेरबदल करने का प्रयास न करें, अन्यथा आप नुकसान में आ सकते हैं। पार्टनर बिना कहे आपके दिल की बात समझ सकते हैं। प्यार आपका बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। किसी कुछ सीखना पड़े तो संकोच न करें। पुराने दोस्त आपका उत्साह बढ़ाएंगे और आज आप अपनी सेहत को लेकर के पूरा ध्यान रखें। उपाय के रूप में यदि आप अपने घर के ईशान कोण पूर्व उत्तर में यदि शुद्ध घी के दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। कार्यस्थल पर आपको जो है कोई फायदेमंद कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। नौकरी में पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। कम मेहनत में भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, सफलता मिलेगी और धन लाभ का उत्तम योग बन रहा है। कहीं से आपके पैसों की व्यवस्था भी होने वाली है। पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता करने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको अच्छे लाभ के अच्छे संकेत आज आप मिल सकते हैं। मकान या दुकान पर धन लाभ के योग बन रहे हैं। हर काम कोहल करके करें, नए अंदाज में काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। कोई भी काम आप जल्दबाजी में बिल्कुल न करें, आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी, मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी। उपाय के रूप में यदि दूध से बनी मिठाइयों को बच्चों को बांटेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। कारोबार में फायदा होगा, कार्यक्षेत्र में नए सौदे होने के योग बन रहे हैं। रूटीन कामों में अच्छा खासा बदलाव भी हो सकता है। आप खुश रहेंगे और खुद को भाग्यशाली भी महसूस करेंगे। करियर में कुछ नए अवसर आपको मिल सकते हैं। नौकरी बदलना आपके लिए जो है कारगर सिद्ध होगा, आपके पक्ष में साबित होगा। बिजनेस करते हैं तो कोई अच्छा सौदा आज आपको मिल सकता है। छोटे पैमाने पर नया काम शुरू करने के लिए समय आपका बहुत अच्छा है। प्रेम के क्षेत्र में जो भी टेंशन चल रही है वह समाप्त होने वाली है। कार्यक्षेत्र का माहौल सुधार में आएगा। खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। भावनात्मक तौर पर आप थोड़ी सी कमजोरी महसूस करेंगे और उपाय के रूप में यदि हनुमान जी के मंदिर में आप लाल फूल चढ़ा देंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। बिना सोचे समझे खर्चा बिल्कुल न करें। खर्चों के ऊपर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। कुछ नया करना हो तो बिना सोचे समझे बिल्कुल न करें। कोई बड़ी योजना चल रही है तो उसे भी शुरू करने से पहले बहुत अच्छी प्रकार से आपको विचार करना होगा। आपके फायदे और सुख में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। आप थोड़े से मानसिक तौर पर परेशान हो सकते हैं। ऐसी स्थिति बन सकती है किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में अवसर आपको जो है अच्छे मिलेंगे। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। कार्यक्षेत्र में आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति से आप खुद को साबित करने में जो है सफल रहेंगे। आपके खर्चों के ऊपर विशेष रूप से आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। किसी के साथ भी विवाद बिल्कुल न करें। उपाय के रूप में बेसन से बनी मिठाइयों का यदि आप देवी जी के मंदिर में भोग लगाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। अधिकारियों से सहयोग मिलेगा, बड़े लोगों से सलाह भी आपको प्राप्त होगी। कार्यक्षेत्र में एकाग्रता आपको रखनी होगी। धन लाभ के अवसर आपको मिलेंगे। छोटी बातों को लेकर के आप ज़्यादा परेशान न हो। आपको कई काम एक साथ करने पड़ सकते हैं। मान प्रतिष्ठा और सम्मान का उत्तम योग बन रहा है। किसी भी मंदिर में यदि आप घी के दीपक की एक बत्ती का दान करेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा।
अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। अतिरिक्त मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अतिरिक्त आमदनी भी आपको होने वाली है। दिन की शुरुआत जरूर थोड़े से जो है कमजोरी के साथ होगी, लेकिन आगे चल करके पूरा दिन आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। जीवन साथी से आपको मदद प्राप्त होगी और घर परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। उपाय के रूप में यदि शंकर भगवान के मंदिर में आप कच्चा दूध और बिल्वपत्र चढ़ाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। बिजनेस संबंधी जो भी अभी तक विवाद चल रहे हैं उनका निपटारा हो सकता है, या फिर उससे मिले जुले संकेत आपको प्राप्त होने वाले हैं। नए लोगों से बातचीत मुलाकात होने का योग बन रहा है। आप जो भी नया काम शुरू करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। कुछ नए लोगों के साथ घूमने फिरने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, कुछ नया काम आपके द्वारा शुरू हो सकता है। और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी मंदिर में पीले कपड़े का दान कर देंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल हमने आपको बताया है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।